हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अगर आप लेक्चर को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है कि हम एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल को डिस्कस कर रहे हैं। तो काफी डिटेल में हमने एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल को डिस्कस किया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है। और आज हमारा एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल का 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट भी है। तो आज हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली हमारे व्हीकल से रिलेटेड होंगे। तो एज यू नो कि एनाटॉमी जो था उसको समझने के लिए हमने उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। तो ऑलरेडी 4 पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया है, आज हमारा 5th पार्ट है और लास्ट पार्ट भी है। जैसा कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमारा सिस्टम इलेक्ट्रिकल पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स मतलब या तो हमारा जो सिस्टम होगा जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होगा, मतलब करंट से चलेगा, बैटरी से चलेगा, मोटर से चलेगा, वट एवर दैट, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्ड कंट्रोल होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहे होंगे। तो ये सारे सिस्टम आते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या हमारे व्हीकल के इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्ड पार्ट में। तो इन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या कंट्रोल्ड सिस्टम होंगे उनके एयर कंडीशनिंग को डिस्कस करेंगे। एक मेजर पार्ट होता है हमारे सिस्टम का और जो कि इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होता है। एक्टिव और पैसिव सेफ्टी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, बेसिकली ये भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्ड होता है और इसको तो हम मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जब हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोबाइल। तो एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप जाके वहां पे देख भी सकते हैं। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मतलब इसका जो फंडामेंटल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए होता है। और आप ऑटोमोबाइल से हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम या फिर सेंसर्ड जो भी होते हैं वो आपको पढ़ने नहीं होते हैं, इसलिए आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको वरीड नहीं होना है। बट नेवरदलेस जब ये लेक्चर हम खत्म कर लेंगे तो इस पूरे डिस्कशन पे बेस्ड लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप खुद को टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @manuacademy। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूले। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि वो सारे सिस्टम जो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्ड कंट्रोल्ड होते हैं, उन सारे सिस्टम को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको मेजर सेक्टर्स दिख सकेंगे ऑटोमोबाइल का, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स या कंपोनेंट्स का लो, उनके कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स का लो, जिनको हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा स्टार्टिंग सिस्टम हो या हमारे व्हीकल का इग्निशन सिस्टम हो या फिर पावर जनरेशन का सिस्टम हो जो हम बैटरी चार्ज करने के लिए बेसिकली करते हैं, या हमारे व्हीकल का लाइटिंग सिस्टम हो। और इसके अलावा बहुत सारी एसेसरीज होती हैं, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड एसेसरीज हो, चाहे और कोई एसेसरीज हो जो सेंसर्ड हो, ये सारे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं। तो इन सबको हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे जो बेसिकली इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से कंट्रोल्ड हो। तो पहला हमारा स्टार्टिंग सिस्टम होता है। स्टार्टिंग सिस्टम में बेसिकली ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे हमारे जनरेटिंग सिस्टम या फिर चार्जिंग सिस्टम होता है जिसमें ये सारे कंपोनेंट होते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे। इग्निशन सिस्टम में भी जो सारे कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ एसेसरीज मेंशन है, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया, कुछ छूट भी गए होंगे। बट नेवरदलेस जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इनका जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट पढ़ते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आपको इग्निशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इग्निशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट इनकी जो फंक्शनिंग होती है, जैसे आप स्पार्क प्लग है, डिस्ट्रीब्यूटर है, इग्निशन कॉयल है, इग्निशन स्विच है, बैटरी से ऑपरेटेड, ये सारी चीजें ऑटोमोबाइल के अंडर आती हैं और आपसे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑलरेडी इसमें से मैक्सिमम चीजों को हमने डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूं कि आज की जो मॉडर्न व्हीकल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्ड ज्यादा होती हैं, हम ज्यादा प्रिफर्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल्ड सिस्टम को। इससे पहले अगर हम स्टार्टिंग फेज की बात करें, जब व्हीकल हम डेवलप कर रहे थे तो उस टाइम हमारे व्हीकल में जो भी कंपोनेंट्स यूज होते थे वो मैकेनिकली ऑपरेटेड भी होते थे, वो मैकेनिकली कंट्रोल्ड भी होते थे, मतलब मैकेनिकल डिवाइस से हम उनको कंट्रोल करते थे, उसी से ऑपरेट करते थे। बट अब हम प्रिफर्ड करते हैं कि हमारा जो सिस्टम हो वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड बेसिकली क्यों करते हैं? देखिए, जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उसका रिस्पांस टाइम काफी ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। उसमें रिस्पांस टाइम ज्यादा होता है, लॉसेस ज्यादा होते हैं,
और आप एक्यूरेट भी कह सकते हो कि इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता मैकेनिकल सिस्टम जितना कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसकी फंक्शनिंग भी डिफिकल्ट होती है। तो इन सब वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रीफर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये ज्यादा एक्यूरेट और इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऑपरेट हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जो सेंसर होता है वो बेसिकली सिग्नल जनरेट करता है और उस सिग्नल को एक्शन में कन्वर्ट करने का काम हमारा करता है एक्चुएटर। तो ये दोनों मिलके हमारे सिस्टम को ऑपरेट या कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट मेजर पार्ट में चलते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आपके व्हीकल में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा होता है ताकि आप कंफर्ट के साथ बैठ के घूमो। एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जरूरत क्यों होती है, ऑलरेडी हमने कई सारे जगह डिस्कस किया हुआ। और यहाँ पे भी जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा होता है वो ट्रेडिशनल वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। यहाँ पे भी R1, 2, 3, 4 ये यूज होता है। बाकी जो आपके घर में फ्रिज एसी है वहां पे भी ये यूज होता है। तो बहुत ज्यादा आपको वरीड होना नहीं है, जो सारे कंपोनेंट्स आपने वेपर कंप्रेसर सिस्टम के लिए पढ़े होंगे वही सारे कंपोनेंट्स यहाँ भी यूज किए जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता है कि जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है बेसिकली कोल्ड मौसम में हमारे व्हीकल को हॉट रखने के लिए, हॉट मौसम में हमारे व्हीकल को कूल रखने के लिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, वेलोसिटी कंट्रोल करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है ताकि ह्यूमन कंफर्ट हमारे केबिन में बना रहे। तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं डिटेल में। सच यहाँ पे आपको एक एक्चुअल डायग्राम दिख रहा होगा, कुछ इसी टाइप का सिस्टम आपके कार में लगा होता है और इस टाइप का आपका ऑपरेटिंग पैनल होता है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है। अब जैसे ही यहाँ पे आप एसी का स्विच ऑन करते हो आपका ये पूरा सिस्टम एक्शन में आ जाता है। ये वाला सिस्टम नहीं, ये पूरा सिस्टम आपका एक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पे मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे होते हैं जो हमारे वेपर कंप्रेशन सिस्टम में लगे होते हैं, ये कंप्रेसर, कंडेंसर, एक ड्रायर और इवोपरेटर। इवोपरेटर में आपको कूलिंग मिलती है, कंडेंसर में हम हीट रिजेक्ट करते हैं मतलब हीट लिबरेट होती है। यहाँ पे कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है, एक्सपेंशन डिवाइस उसको एक्सपेंड करने का काम करता है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना ये बेल्ट पुली लगी होती है, ये बेल्ट पुली लगी होती है, ये ऑपरेट होता है हमारा इससे कंप्रेसर। कंप्रेसर को हम डायरेक्टली इंजन शाफ्ट से कपल्ड कर देते हैं। अब चूंकि इंजन शाफ्ट से कपल्ड कर दिए तो हमेशा ये काम करता रहेगा, बट हमको हमेशा चाहिए नहीं, हम तो कभी एसी ऑन करते हैं कभी ऑफ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक क्लच का यूज करते हैं कि जैसे हम एसी ऑन करेंगे हमारा जो क्लच होगा वो इंगेज हो जाएगा और हमारा सिस्टम पूरा ऑपरेट करना शुरू कर देगा। जब हमको एसी नहीं चाहिए उस टाइम पे हमारा क्लच डिसएंगेज रहेगा। तो जहाँ पे इंगेज और डिसएंगेज का काम होता है क्लच काम में आता है। आपने पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में भी देखा होगा कि वहाँ पे क्लच फोर फ्रंट पे होता है जो बेसिकली हमारे इंजन के पावर को ट्रांसमिट करता है हमारे ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स में और वहां से आगे वो हमने सारी चीजें डिस्कस की। तो यहाँ पे भी एक क्लच यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब हमारे व्हीकल में दो क्लच होते हैं, ठीक है, एक हमारे कंप्रेसर को चलाने के लिए, एक ट्रांसमिशन सिस्टम को चलाने के लिए। ये आपको बेसिकली ये ओरिएंटेशन होता है हमारे कंपोनेंट्स का। ये आपको रेडिएटर दिख रहा होगा कूलिंग सिस्टम में जिसका हम यूज करते हैं, और इसके आगे आपको कंडेंसर दिख रहा होगा जो बेसिकली हम व्हीकल में कंफर्ट जनरेट करने के लिए होते हैं। एक व्हीकल कंपोनेंट्स को कूल करता है जो रेडिएटर होता है बेसिकली, और एक कंडेंसर होता है जो हमारी हीट लिबरेट होती है कंफर्ट के लिए, जो हम वहां पे कूलिंग सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं उससे जो हीट आती है उसको ये रिजेक्ट करता है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे गए हैं कि जो हमारी एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं उसमें मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कंप्रेसर यूज होता है। कंप्रेसर का काम क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ाना, इतना बढ़ाना कि सराउंडिंग कंडीशन तक पहुंच जाए, सराउंडिंग कंडीशन से ऊपर पहुंच जाए ताकि इजिली हम हीट को रिजेक्ट कर पाए और वापस से हमारा जो सिस्टम है वो साइक्लिक फंक्शन में आ पाए। मैग्नेटिक क्लच का यूज क्या होता है, मैंने बताया आपको कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि जैसे हम स्विच ऑन करें हमारा ये कपल्ड हो जाए और कंप्रेसर चलना शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं कि कंप्रेसर को हम केवल इंजन से बेल्ट और पुली से कनेक्ट करके चलाते हैं, हमारा मोटर या फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कंप्रेसर भी होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे तो आप इसको बैटरी से ही चलाओगे, तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है, बेसिकली हीट रिजेक्शन और हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फेज चेंज होता है, और हमको जो कूलिंग भी मिलती है वो भी फेज चेंज के थ्रू भी मिलती है। इवापोरेटर में क्या होता है, हमारा लिक्विड जो होता है लो प्रेशर लिक्विड, लो टेम्परेचर लिक्विड, वो इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट हो जाता है तो जो भी लेटेंट हीट होती है उसकी वो कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, हमारे केबिन से, और हमारा केबिन कूल हो जाता है। रिसीवर या ड्रायर, ड्रायर को भी हम यूज करते हैं रिसीवर ड्रायर का। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जब हम कंप्रेसर, सॉरी, हम जब इवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट को भेज रहे होते हैं
तो इससे पहले अगर इसमें कुछ वेपर है तो उसको हम एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि अगर यहाँ पे वेपर गया तो वेपर क्या करेगा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जो जो कैपेसिटी है उसको डिक्रीज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज होता है, ऑलरेडी फेज चेंज है तो यहाँ पे फेज चेंज होगा नहीं, जिसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब होगी नहीं, तो हमारी कूलिंग इफेक्ट को ये रिड्यूस कर देगा, इसलिए हम ड्रायर का यूज करते हैं। एक्सपेंशन डिवाइस बेसिकली हाई प्रेशर जो लिक्विड होता है जो हमारे कंडेंसर से निकल के आता है उसको ये एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्सपेंशन डिवाइस का काम होता है वो। इवापरेटर बेसिकली जहां पे हमको कूलिंग मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक लाइन डायग्राम दिख रहा है, तो एक बार लाइन डायग्राम को समझ लेते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है, फ्लो डायग्राम कैसे वर्क करता है। तो ये आपको कंप्रेसर दिख रहा होगा, कंप्रेसर का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर देना, तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो गैस जिसे हम कहते हैं, या फिर हम थोड़े टेक्निकल लैंग्वेज उसको रेफ्रिजरेंट कहते हैं, तो रेफ्रिजरेंट हमारा कंडेंसर में आ गया, कंडेंसर के ऊपर फैन भी लगा होता है, ये फैन एयर ब्लो कर देता है ऊपर से, तो यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस होता है हमारे रेफ्रिजरेंट का, और बेसिकली हीट लिबरेट होती है, हीट रिजेक्ट होती है, और ये धीरे 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 कंडेंस होना चालू हो जाता है, और बाहर जब आता है तो ये कंडेंस हो गया रहता है लिक्विड फॉर्म में। अब यहाँ पे हम ड्रायर का यूज करते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे कंडेंसर हो गया, ये पूरा कंडेंस हो गया, तो ड्रायर की जरूरत क्या है, बेसिकली जरूरी नहीं है कि पूरा कंडेंस हो जाए, कुछ वेपर बच जाते हैं, तो वेपर को हम हमारे इवापरेटर में अलाउ नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात कहा कि जो हमारी कूलिंग कैपेसिटी होती है उसको डिक्रीज कर देता है, तो यहाँ पे हम ड्रायर का काम करते हैं, जो ये बेसिकली जो यहाँ वेपर आया उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ये चला जाता है इवापरेटर से पहले ये एक्सपेंशन डिवाइस में जाता है, एक्सपेंशन डिवाइस में ये एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर था लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर का मतलब इवापरेटर प्रेशर पे पहुंच जाता है, इवापरेटर प्रेशर पहुंचने के बाद चूंकि इसका फेज चेंज भी हो गया, लिक्विड हो गया, तो यहाँ पे इवापरेट करना चालू करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे भी एक फैन लगा होता है, जो बेसिकली ये जो पाइप्स हैं ये कंडक्टिव पाइप्स होती हैं ये कूल हो जाती हैं, इसके ऊपर से हम एयर ब्लो कर देते हैं, तो एयर कूल होकर आपके केबिन में पहुंच जाती है, इस तरीके से पूरा कूलिंग सिस्टम काम करता है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जो हमारा एक्सपेंशन डिवाइस है, यहाँ से आपने जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में पढ़ा होगा, जनरल वेपर कंप्रेशन सिस्टम में, यहाँ की जो पाइप होती है हमारे इवेपरेटर की, वो डायरेक्टली हमारे इस लाइन से कनेक्टेड होती है, कंप्रेशर की लाइन से, बीच में ये एक्सपेंशन डिवाइस नहीं होता है, एक्सपेंशन डिवाइस में केवल यही लाइन कनेक्टेड होती है जो हमारे कंडेंसर और इवेपरेटर के बीच वाली लाइन होती है। तो ये बीच में कैसे आ गया, प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन होता रहता है, तो इसलिए हम इसको सेंस करते रहते हैं, अगर प्रेशर वेरिएशन हुआ तो हमारा जो एक्सपेंशन डिवाइस होता है वो ट्राई करता है कि कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहे, इसलिए एक लाइन हम इसमें कनेक्ट करते हैं ताकि एक एक जो प्रेशर है उसका सिग्नल हमारे इवेपरेटर एक्सपेंशन सिस्टम को मिलता रहे, कि हमारे जो इवेपरेटर है उसका प्रेशर क्या, अगर वो बढ़ गया तो उसको अगेन ये रिड्यूस कर देता है, अगर घट गया तो उसको बढ़ा देता है, ताकि एक कॉन्स्टेंट प्रेशर हमारे इवेपरेटिंग सिस्टम में मेंटेन रहे। और उसके बाद की जो प्रोसेस है आपको पता ही है, सिंपल प्रोसेस है जैसा कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में होता है। यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस किया गया हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे नहीं, ऑलरेडी हमने कर लिया, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्रेशर होता है वो कभी बेल्ट और पुली से ऑपरेटेड होता है, कभी ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी होता है, तो एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको हम ऑपरेट कैसे करते हैं, क्लच का बेसिकली काम क्या होता है, कंप्रेशर को इंगेज और डिसंगेज करना, कंडेंसर का काम क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया, रिसीवर ड्रायर मतलब वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, नेक्स्ट जो एक्यूमुलेट भी करता है वो एक्यूमुलेटर का काम भी करता है, अगर कोई एक्सेस फ्लो हो रहा है रेफ्रिजरेंट का तो उसको भी एक्यूमुलेट कर लेता है, एक्सपेंशन डिवाइस प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू द इवापरेटर प्रेशर, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है, और इवापरेटर में हमको कूलिंग मिलती है, और इवापरेटर बेसिकली उसके ऊपर से हम एयर ब्लो करते हैं और हमें केबिन को हम वहां से कूल कर पाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये वर्किंग मेंशन किया गया है, तो जो भी वर्किंग हमने डिस्कस किया है ये पूरा उसकी वर्किंग है, एक बार आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं एक्टिव और पैसिव सेफ्टी डिवाइस का, तो पहले आप ये वर्डिंग समझ लो कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो व्हीकल के एक्सीडेंट या कोलिजन से पहले काम करते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं कि आपकी व्हीकल कोलाइड ही ना करे। पैसिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद, मतलब कोई इवेंट होने के बाद रोल प्ले करते हैं, जैसे आपका एयर बैग हुआ, जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा एयर बैग ओपन नहीं होगा, सीट बेल्ट हुआ आपका, जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ सीट बेल्ट का कोई यूज नहीं है, एक्सीडेंट होने के टाइम ही सीट बेल्ट आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपकी बॉडी कहीं ना हो, सीधा सीधा एयर बैग को आप टच करो, आप एक स्टेट कंडीशन मेंटेन कर पाओ। एक्टिव डिवाइस जैसा कि मैंने कहा, तो एक्टिव डिवाइस कोलिजन से प्रिवेंट करते हैं, जैसे आपका एबीएस सिस्टम है वो ये कहता है कि कोलिजन ही ना हो,
मतलब प्रिवेंटिव मेजर है वो एक तरह का, तो उसे हम एक्टिव डिवाइस कहते हैं, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ एक्टिव एंड पैसिव डिवाइस जो बेसिकली आपके व्हीकल में यूज होते हैं और जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला है सेफ्टी ग्लासेस। तो सेफ्टी ग्लासेस यूज होते हैं आपके विंडो और डोर में। बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज द लेमिनेटेड, सेकेंड वन इज द टेम्पर्ड। तो लेमिनेटेड क्या होता है, लेमिनेटेड में हम दो ग्लासेस लेते हैं, दो ग्लासेस के बीच में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक को लेमिनेट कर देते हैं, जिसके वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और बेसिकली हम इसको विंड साइड यूज करते हैं। बाकी जो भी साइड बचती है वहां पे हम टेम्पर्ड ग्लास का यूज करते हैं। अभी टेम्पर्ड ग्लास क्या होता है, बेसिकली इसको हम हीट और कूल करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसकी स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। तो पहले आप जिस ग्लास को यूज करने वाले हो उसको एक सर्टन टेम्परेचर पे हीट करोगे। हीट करने के बाद उसके ऊपर से आप एयर ब्लो करोगे। एयर ब्लो करने की वजह से इसकी कूलिंग थोड़ी फास्ट होगी। अब कूलिंग फास्ट तो होगी बट जो सरफेस है वो जल्दी कूल होगा, और जो सरफेस जल्दी कूल होगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आएगा, मतलब कंप्रेशन स्ट्रेस आएगी कूलिंग की वजह से, और जो हमारा सेंटर लाइन है वहां पे एक्सपेंशन होगा हीटिंग की वजह से, क्योंकि सेंटर लाइन जो इसकी है उतना फास्ट कूल होगी नहीं, तो वहां पे एक्सपेंशन होगा तो वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। तो आपके एक ही कंपोनेंट में इन साइड टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, अपर साइड कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, तो ये दोनों मिलके आपके पूरे जो टेम्पर्ड ग्लास है जिसको आपने गर्म और कूल करके बनाया, हॉट और कूल करके बनाया, इसको बेसिकली टेम्पर्ड ग्लास कहते हैं। तो टेम्पर्ड ग्लास का कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से आपने देखे होंगे कि ग्लास जो होता है, जो आपका ओरिजिनल ग्लास होता है, उसको क्रैक होने में प्रॉब्लम नहीं, वो तुरंत क्रैक हो जाता है, वो लोड बियर नहीं कर पाता है। बट जो आपका टेम्पर्ड ग्लास होता है उसकी स्ट्रेंथ 5-10 टाइम आपके जो जनरल ग्लास होती है उससे ज्यादा होती है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। बाकी सारे जगह हम टेम्पर्ड ग्लास का यूज करते हैं। तो भी आपको टेम्पर्ड ग्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, और जो गाइडलाइन थी बेसिकली ब्लैक फिल्म से रिलेटेड, वहां पर भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था टेम्पर्ड ग्लास को। आगे बात करते हैं सीट बेल्ट का। तो सीट बेल्ट बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं, सीट बेल्ट आप यूज करते हो बेसिकली ये आपको प्रोटेक्ट करता है, एक स्ट्रेट लाइन में आपको बिठा कर रखता है। सपोज करिए आपका एक्सीडेंट हो गया और आप सीट बेल्ट नहीं पहने, तो जरूरी तो नहीं कि एयर बैग खुले और आप उसको टच करो, हो सकता है आपकी बॉडी अनकंट्रोल्ड हो और कहीं और जगह आपको लग जाए। तो इस वजह से सीट बेल्ट आपको मेंटेन रखता है कि आपको ऐसे पोजिशन में रहना है जहां पे आपका एयर बैग खुलेगा और आप एयर बैग को हिट करोगे, रादर देन कि आप किसी और कंपोनेंट, व्हीकल के किसी और कंपोनेंट को हिट करो और आपको ज्यादा इंजरी हो। नेक्स्ट जो सेफ्टी कंपोनेंट है दैट इज एयर बैग, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे सीट बेल्ट के टाइम में। तो यहाँ पे आपको एयर बैग दिख रहा होगा बलून के जैसे, ये एक तरह का पैसिव सिस्टम होता है जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक इम्पैक्ट सेंसर लगा होता है, जैसे आपकी व्हीकल कोलाइड होती है इम्पैक्ट सेंसर एक सिग्नल भेजता है, जिसके वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन स्टार्ट होता है, सोडियम एजाइड फील होता है इसमें। सोडियम एजाइड रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और सोडियम मेटल, तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है इसमें पूरा भर जाती है, तो इन्फ्लेटेड हो जाता है ये, और ये हमारा पैनल ब्रेक डाउन करके बाहर आ जाता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। जब आप इस पर कोलाइड करते हो तो आपको चोट कम आती है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज एनर्जी ऑब्जर्वर सेफ्टी बम्पर। आपके व्हीकल के फ्रंट पे बम्पर लगे होते हैं और ये भी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं डायरेक्टली। अगर कोलिजन होता है तो जो भी इम्पैक्ट लोडिंग होती है ये आपके फ्रेम को ट्रांसफर नहीं करता। अगर ये आपके फ्रेम को ट्रांसफर हो जाता है डायरेक्टली, जितना भी इम्पैक्ट लोडिंग है तो डायरेक्टली जो भी उसमें लोग बैठे हुए हैं उनको ट्रांसफर होता है और डेफिनेटली हैवी इंजरी आती है। बट एक्सीडेंट के टाइम पे ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन करता है, बम्पर फेस बार, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ब्रेक डाउन तो हो जाता है बट ये भी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिससे शॉक कम प्रोड्यूस होता है और जो भी लोग बैठे होते हैं उनको थोड़ा सा सेव किया जा सकता है किसी लिमिट। बेसिकली बहुत हैवी कोलिजन है तो वो काम नहीं करेगा, बट नेवरदलेस अगर छोटा कोलिजन है तो आपको बचा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज सिक्योरिटी डिवाइसेस। तो सिक्योरिटी डिवाइसेस को यहाँ पे थ्री बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है लॉकिंग डिवाइसेस, आपके व्हीकल को लॉक कर दिया जाएगा। डिसेबलिंग डिवाइसेस, ऐसे सेंसर या सिस्टम यूज किए जाते हैं जो आपके व्हीकल के फंक्शनिंग को डिसेबल कर देंगे। बहुत सारे जगह आपने पढ़ा होगा आपके इंजन ही स्टार्ट नहीं होता है अगर कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा हो, तो इस टाइप के डिवाइसेस। अलार्मिंग डिवाइसेस, मतलब आपके व्हीकल से कोई छेड़छाड़ करे तो आपकी व्हीकल अलार्म ब्लो करे, तो
तो ये सारे डिवाइसेस होते हैं। इसमें बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, कुछ डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर इनबिल्ट आपको दे देते हैं, कुछ डिवाइसेस आपको बाहर से भी आप लगवा सकते हो व्हीकल परचेज होने के बाद, बट जो आप बाहर से लगाते हो उसको उस डिवाइस को अप्रूवल होना चाहिए ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ सिक्योरिटी डिवाइसेस का डिवाइसेस को हमने डिस्कस किया है, जैसे अलार्म को। तो बहुत बार आपने देखे होंगे कि आप व्हीकल के पास जाते हो तो व्हीकल अलार्म करना शुरू कर देती है, आप व्हीकल को चोरी से स्टार्ट कर रहा है, कोई चोरी करने जा रहा है तो अलार्म होना शुरू हो जाता है। कीलेस लॉक, आपने इस टाइप का सिस्टम देखा होगा, आपको जरूरी नहीं कि की लगा के आपको गेट को लॉक करना है, व्हीकल को लॉक करना है, कीलेस लॉकिंग सिस्टम आ गया है, बहुत पुराना है, बहुत पहले से यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक इमोबिलाइजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी डिवाइसेस होता है। जब तक आपके व्हीकल को करेक्ट सिग्नल नहीं मिलता है, अगर कोई भी इनकरेंट सिग्नल मिलता है आपके व्हीकल को, तो आपके व्हीकल का जो इग्निशन सिस्टम की लाइन है, जो फ्यूल पंप की लाइन है, उसको ये कट डाउन कर देता है, मतलब सप्लाई ब्रेक कर देता है, जिससे आपकी व्हीकल स्टार्ट ही नहीं होती, तो कोई चोरी नहीं कर सकता। स्टीयरिंग लॉकिंग सिस्टम, यहाँ पे भी आपकी स्टीयरिंग लॉक कर दी जाती है, जिससे कोई चोरी नहीं कर सकता। आपकी जो स्टीयरिंग है वो अगर लॉक हो गई तो कोई उसको रोटेट नहीं कर सकता है। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, सपोज करिए ये सारे सिस्टम काम नहीं है और आपकी व्हीकल चोरी हो गई, तो उसको ट्रैक करने के लिए भी सिस्टम यूज किया जाता है, जैसे आपकी मोबाइल चोरी हो गई इजिली ट्रैक हो जाती है, अगर पुलिस वाले चाहें तो मिल जाएगी, उसी तरीके से व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का भी यूज किया जाता है, जो कि ट्रैक करने के काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन सिस्टम, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं ताकि हम एक्सीडेंट से लोगों की लाइफ बचा पाएं, जो अदर यूजर हैं, जो पेडेस्ट्रियन हैं, जो रोड को क्रॉस कर रहे हैं, या रोड को दूसरे यूजर हैं जो छोटे व्हीकल लेके रोड पे चलते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे EPP यूज किए जाते हैं। तो ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन सबके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया, एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम यूज किए जाते हैं ताकि हम कोलिजन को प्रिवेंट कर पाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोलिजन वार्निंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, इंटेलिजेंट स्पीड एडॉप्टर, ये सारे सिस्टम्स हैं जिससे हम कोलिजन को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। हमको पहले सिग्नल मिल जाता है कि आपके व्हीकल की स्पीड इतना है, सामने इतने दूरी पे एक आदमी खड़ा है, इतने टाइम में आप कोलाइड कर जाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी स्पीड को कट डाउन कर देते हैं। ऐसे सिस्टम्स हम यूज करते हैं बेसिकली। तो आज के डिस्कशन पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट इग्निशन सिस्टम ऑफ द स्पार्क इग्निशन इंजन। जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, इन जनरल जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, उसका रिस्पॉन्स टाइम भी कम होता है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, दैट इज थ्री कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी इग्निशन सर्किट ऑफ द बैटरी इग्निशन सिस्टम। बेसिकली ये तो इग्निशन सिस्टम का क्वेश्चन है, फिर भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। नेवर्थलेस यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा, द कॉन्टेक्ट ब्रेकर, द इग्निशन, द कंडेंसर। आप सोच रहे हो यहाँ पे कंडेंसर कैसे आएगा, कंडेंसर का बेसिकली काम होता है कि जो स्पार्क है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना एज पर रिक्वायरमेंट। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन कन्वेंशनल बैटरी स्पार्क इग्निशन सिस्टम इग्निशन कॉयल कंसिस्ट थ्री बाइंडिंग, कितनी बाइंडिंग होती है इसमें, थ्री बेसिकली, इसको हमने डिवाइड किया होता है प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग और आयरन कोर से। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो भी करेक्ट होगा, द स्टार्टिंग मोटर इज ड्रिवन बाय मींस ऑफ द करंट टेकन फ्रॉम, करंट कहाँ से लेंगे, ये बैटरी से लेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द इग्निशन सिस्टम, इग्निशन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस द स्पार्क इन द इग्निशन कंबशन चेंबर आफ्टर द कंप्रेशन स्ट्रोक, यही काम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, एयर कंडीशनर लॉसेस एनर्जी फ्रॉम, एनर्जी लॉस कहाँ पे होता है, कंडेंसर में होता है, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करना या फिर एनर्जी लॉस करना, वहां के बाद वो कंडेंस हो जाता है, लिक्विड फेज में चला जाता है और फिर से हम उसको इवेपोरेट करके लेटेंट हीट के फॉर्म में हम कूलिंग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंटी थेफ्ट डिवाइस आर अवेलेबल इन द व्हीकल, लॉकिंग सिस्टम, डिसेबलिंग सिस्टम, अलार्मिंग सिस्टम, ऑल ऑफ अबव, सारे टाइप के सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है, तो जो आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। टेम्पर्ड ग्लासेस is used for, जो tempered glasses होते हैं वो कहाँ पे use किए जाते हैं, तो basically they are used to side and rear window, जो air side window होती है वहाँ पे laminated glass use करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका option होगा वो A correct होगा। Which of the safety system are operated automatically, कौन सा safety system है जो automatically operate हो जाता है, तो passive type का automatically operate होता है, जब भी collision हो गया वो automatically operation में आ जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इंपैक्ट सेंसर आर यूज इन, इंपैक्ट सेंसर कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होंगे या मैकेनिकल होंगे, ऑटो मैकेनिकल सिस्टम होंगे, नन, डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा ना, जो भी
सेंसर सिस्टम होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे चलते हैं, वो सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं। और मैं बार बार आपको बता भी दिया हूँ कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम बेसिकली यूज क्यों करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।